बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी गाहे बगाहे ऐसे प्रोग्राम करता रहता है जिससे मुआशरे में सुधार पैदा हो सकता है। जैसे कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए पानी को ऊपर, पानी को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस आगाही मुहिम भी चलाई है। ऐसे में कुछ प्रोग्राम हमने किए, उसमें हमने ये बताया कि किस तरह से लाहौर का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो ज़ाया हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, हमने रिचार्ज कैसे करना है और क्या वजूहात हैं पानी जो है ख़त्म होने के। इसके अलावा पानी के ऊपर हमने बेशतर प्रोग्राम किए। आज का प्रोग्राम पानी के ऊपर है, लेकिन ये पर्टिकुलरली रिलेटेड है सर्विस स्टेशन, यानी जब आप गाड़ी धुलवाने जाते हैं तो कितना पानी इस्तेमाल होता है, और गाड़ी धुलवाने के लिए सर्विस स्टेशन के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है। नाज़रीन, अब से चंद महीने कबल यानी अक्टूबर 2018 में लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि जो सर्विस स्टेशन है वो जो हुकूमती पानी यानी सरकारी पानी का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियां धोने के लिए, उसके ऊपर एक कानून जो था वो पास हुआ था। अब वो कानून क्या था, अब उसको कितनी देर हो गई है, किस किसने उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर ली है, कौन कौन वो कानून की वायोलेशन कर रहा है, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आपको सब डिटेल मिलेंगी। और अब होने क्या जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त मैं एक सर्विस स्टेशन पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो धुल भी रही हैं, कुछ गाड़ियों का ड्राई वॉश हो रहा है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ पानी से धोई जा रही हैं। अब ये जो गाड़ी है ये ड्राई वॉश की जा रही है, यानी हवा के प्रेशर से इसको साफ किया जा रहा है, लेकिन जो पीछे वाली गाड़ी है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का इस्तेमाल करके उसको धोया जा रहा है। आइए पहले मैं सारिफीन से बात करती हूँ जो कि अपनी गाड़ियाँ धुलवाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, वो पानी के हवाले से क्या कह रहे हैं और इसके अलावा क्या उन्हें मालूम है लाहौर हाई कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आपको देखा जो आपकी गाड़ी थी वो ड्राई वॉश हो रही थी, तो ये क्या है ड्राई वॉश, क्या है पानी से जो पानी से गाड़ी धोते हैं वो क्या है, उसके चार्जेस कितने हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे। जो कार वॉश है उसके चार्जेस मेरे ख्याल से 250 है, अगर आप सर्विस करवाते तो मेरे ख्याल से आपके 400 है। अच्छा। सर्विस करवाने में इसकी डिटेल क्या है? सर्विस में ये होता है कि आपकी गाड़ी प्रॉपर जो है वो वॉश होती है, इसके नीचे से भी, फ्रंट से, टॉप से, हर जगह से ना? पानी के साथ। हाँ। और जो आपने करवाया एयर के साथ वो क्या था? मैंने सिर्फ इंटरनल सर्विस करवाई है। अच्छा। हाँ जी, उसमें एयर प्रेशर से जितना धूल मट्टी है वो निकल जाता है। हाँ जी, अंदर से, अंदर से। अच्छा, पानी के हवाले से आप खबरें भी देखते होंगे, आपके पास अपनी गाड़ी भी है, आप सर्विस स्टेशन भी आते हैं, तो आपने तीनों चीजों को लिंक कर लिया होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ हुक्म दिया था गाड़ियां धुलवाने के हवाले से, मालूम है उसके बारे में कि पानी जरा हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। इस बारे में जी जी। हाँ हाँ, तो पानी ऑब्वियसली हाँ वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, वैसे ही हमारे जो पाकिस्तान है, मुल्क है हमारा, इसमें पानी की वैसे ही बहुत कमी है। ठीक है, अगला सवाल मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप घर में गाड़ी धोते हैं कितना पानी इस्तेमाल हो जाता है, और आपके घर में टैंकी भी होगी, मोटर का इस्तेमाल भी करते होंगे, कितना पानी इस्तेमाल हो जाता है? पानी अच्छा भला इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली हमने इसको वॉश भी करना है तो वो ज़रूरत भी है, तो उसमें ये कि आप कम से कम पानी आप यूज़ करें, इतना आप यूज़ करें कि बस सिर्फ यानी कि आपके जो आप जो ज़रूरत है उतना आप यूज़ करें, आप एक्स्ट्रा यूज़ ना करें ताकि वो वेस्ट ना हो। अच्छा, जो आपकी तरजीह रहती है घर में गाड़ी धोना रहे, तरजीह आपकी, या स्टेशन पर आके गाड़ी धोना? अगर आप घर पर धोते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये लोग पानी बहुत वेस्ट करते हैं। हाँ, मैंने क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरनल करवाया, ये हम घर में नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, प्रेशर घर में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बड़ी अच्छी आपने बात की है। आइए नाज़रीन, अब इन लोगों से भी पूछ लेते हैं कि ये गाड़ी इसकी सर्विस किस तरह से की जा रही है, ड्राई वॉश क्या है, और एयर जो प्रोसीजर है हवा के जोर पर जो साफ करते हैं। जरा कैमरा मैन से गुजारिश करूंगी, पानी से ये क्या कर रहे हैं, और ये झाग है क्या है भाई, थोड़ा हमें बताएंगे ये क्या है जो आप कर रहे हैं? शैम्पू है ये। ये शैम्पू लगाने के बाद थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद क्या होगा? नहीं, ये फौरन ही मारेंगे, साफ हो जाएगा। अब पानी मारेंगे इस पे? जी। पानी कितना इस्तेमाल होता है ये जो आप शैम्पू के जरिए गाड़ी साफ कर रहे हैं इसमें? जी, पानी कितना इस्तेमाल होता है? बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है पानी कितना इस्तेमाल करना है, ये आपको मरासला जारी हो गया, आपके मालिकान ने, पंप मालिकान ने आपको बताया कि पानी कितना इस्तेमाल करना है? पता नहीं मैम, सॉरी मैम। आपको नहीं? आप भी गाड़ी धोते हैं, आपको मालूम है? नहीं, नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ पे किसी को मालूम नहीं है। ये जीप आप देख सकते हैं, ये ऊपर इसका भी शैम्पू लगा दिया गया है,
यानी इसको सारा कुछ लगा दिया गया। अब इसको पानी की मदद से साफ करेंगे। ये पाइप है पानी का। अच्छा, पानी का पाइप मैं आपको चेक करवाऊंगी। ये पानी का पाइप है, इसको मैं भी जरा चेक करूंगी और आप भी देखिए कि किस तरह से इसके अंदर पानी। जरा इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, पानी निकाले। ना पकड़े क्यों, भारी हो जाए। नहीं, प्रेशर तेज होता है ना इसका। कितना प्रेशर होता है, कितना पानी निकलता है इसमें से? इसमें से कम ही पानी निकलता है, 200 लीटर सारी दिहाड़ी। जरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, इसको पानी चलाइएगा। एक मिनट, छोड़े, बाद में पकड़ लेना। बाद में पकड़ ले। उनको डर है कि क्योंकि इसमें से प्रेशर बहुत ज्यादा है, पानी ज्यादा आता है, तो आप ना पकड़े इसे। ओके, ऑन हो गया है जनाब, काफी ठीक है। उन्होंने हेल्प कर रहे हैं मेरी, ठीक है। इसका प्रेशर आप देखें, मेरा पहला एक्सपीरियंस है गाड़ी वॉश करने का, ठीक है, वो भी सर्विस स्टेशन के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, पाइप काफ़ी भारी है, क्योंकि इसमें से पानी जो है वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए। किस तरह, क्या है ये, इसके अंदर से प्रेशर क्यों निकलता है? इसकी नोजल ऐसी है। हाँ जी। अच्छा, कारपेट भी वॉश करते हैं सर्विस स्टेशन वाले? नहीं नहीं, कारपेट नहीं करते। अगर मैं लाऊं पैसे ज्यादा दे दूं, कारपेट वॉश कर देंगे? नहीं, कारपेट नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बाकी सर्विस स्टेशन वाले करते हैं? बाकी करते होंगे, हमारे नहीं इधर होता। ठीक है, ये एक्सपीरियंस हमने किया है, बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे अगर करें कि इस पाइप से, इसके प्रेशर से बाल्टी कितनी देर में भर जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक और कस्टमर है जो कि गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। गाड़ी रखी है, बड़ी गाड़ी है, छोटी है? बड़ी गाड़ी। बड़ी गाड़ी है, उसको आप धोते भी होंगे? ये बिल्कुल धोता हूँ। घर पे धोते हैं, स्टेशन पर? कभी इधर भी धोते हैं, कभी घर भी धो देते हैं। सर, पानी कितना लगता है एक गाड़ी धोने में? पानी ज्यादा भी लगा, अपनी ये अपनी कस्टडी है, सोच है। जितना ज्यादा पानी लगाए ज्यादा लगेगा, थोड़े में लगाए थोड़ा लगाएगा। बाल्टी में धुल जाती है? दो बाल्टी हो, बिल्कुल अच्छी तरह धुल जाती है, दो बाल्टी अच्छी तरह। अच्छा, पानी का बड़ा क्राइसिस आ गया है आजकल। जिस तरह ये जाया हो रहा है पानी, इतना बहुत ज्यादा करते हैं जाया। घर में पानी का अभी शेड्यूल भी होता है कि फजर के टाइम आएगा या मगरिब के? पानी हमारा तो पूरा आता है हर टाइम, किसी की इसी हर टाइम आता है। बट ये नेमत है, आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल, बड़ी अल्लाह की नेमत, इससे बगैर तो जिंदगी महाल है। महफूज करने के लिए हम इंसान क्या कर सकते हैं? कम से कम इसको इस्तेमाल करें। इतना अच्छा मैसेज दिया। और आपकी मुझे एक और बात अच्छी लगी कि दो बाल्टियों में अगर आप चाहें तो आपकी गाड़ी धुल सकती है। धुल सकती है, बहुत अच्छी बात है। और भी हम लोगों से बात करते हैं, आइए। तो नाज़रीन, हमें बाल्टी तो नहीं मिली है, बोतल मिली है। ये कितने सेकंड में भर जाएगी इस प्रेशर से, जरा ये देखते हैं। भाई, इसको भरना है आपने इस प्रेशर के साथ। विदिन वन सेकंड ये भर चुकी है, एक सेकंड नहीं लगा। एक लीटर बोतल एक सेकंड में भर चुकी है, और ये प्रेशर है इस पानी का। यानी आपका एक लीटर एक सेकंड में जाया हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो आपने देखा कि एक लीटर की पानी की बोतल एक सेकंड में भर गई है, यानी एक सेकंड में एक लीटर जाया होता है इस प्रेशर वाले पाइप से जो गाड़ी धोने के लिए। तो नाज़रीन, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म क्यों जारी किया, क्योंकि जितने सर्विस स्टेशन हैं लाहौर में, उनकी अगर रजिस्टर्ड सर्विस स्टेशन की मैं बात करूं, तो सिर्फ 150 सर्विस स्टेशन वासा से रजिस्टर्ड हैं, बाकी तमाम गैर कानूनी हैं। लेकिन ये जो 150 सर्विस स्टेशन हैं, ये भी सरकारी पानी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑफ द कैमरा सबसे पूछा तो सबने मुझे बताया कि बोरिंग का पानी है, लेकिन ऑन द कैमरा कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मोटर लगी है, हैवी मोटर, जो कि जमीन जेर जमीन जो कंटेनर्स होते हैं, नेचुरल कंटेनर्स, कुदरती कंटेनर्स होते हैं, उससे पानी को सक करते हैं और ऊपर लेकर आते हैं, और जेर जमीन पानी इस तरह से जाया होता है। तो ये वो सिलसिला है जिसके लिए, जिसके बचाव के लिए हमने, लाहौर हाई कोर्ट ने ये मुहिम स्टार्ट की है कि पानी को बचाना है। तो ये जो पानी सरकारी है, ये इस्तेमाल करने पर अब इनको भारी जुर्माने होंगे। इसकी तफसीलात भी आगे चल के मैं आपको दूंगी। जी नाज़रीन, एक और पंप पर हम मौजूद हैं, और ये सर्विस स्टेशन है जहाँ पे गाड़ियाँ वॉश होती हैं। इनकी ज़रा रेट लिस्ट आपको चेक करके मैं दिखाती हूँ, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके कि रेट लिस्ट लगी है। कार वॉश जो है वो 250 की होगी, कार सर्विस जो है वो 400 की है, कार फुल बॉडी वॉश जो है वो 200 की होगी, बड़ी गाड़ी बॉडी वॉश जो है ये लिखा नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, इनसे पूछ लेंगे। मोटरसाइकिल की गाड़ी, मोटरसाइकिल जो है वो भी वॉश करते हैं, उसका ये 100 रुपया लेते हैं। मोटरसाइकिल पॉलिश, कंपाउंड पॉलिश, बड़ी गाड़ी 700 रुपये, ठीक है। ये जो है, ये तमाम तर इन्होंने यहाँ पे अपने रेट लिस्ट लगा रखी है। इसके अलावा आइए इनसे हम पूछते हैं
पानी कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी जो है इस वक्त वॉश की जा रही है, पानी कहाँ से इस्तेमाल करते हैं ये पूछ लेते हैं। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी पीछे वो हमने बोर्ड लगाया हुआ, बोर्ड से आ रहा है। बोर अपना लगाया है, दिखाएंगे कहाँ पे? वो इनको पता है, ये जो मालिक है। अच्छा। हमारे ठीक है, यानी अपना जमीन का ये पानी? हाँ। बिल कितना आता है, कुछ अंदाजा है? बिल का पता नहीं है। गाड़ी वॉश करने के लिए क्या क्या टेक्निकलिटीज होती है, किस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या बताया जाता है, पानी कैसे वॉश करना है, कितना खोलना है, क्या ट्रेनिंग है आपकी? मैं तो इधर हफ्ता डेढ़ ही हुआ है काम पे हूँ, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है। अच्छा। ये मैं काम कैसे सीखा, क्या काम सीखा यहाँ पे? यहाँ पे काम सीखने को तो कुछ भी नहीं, मेहनत मजदूरी है। अच्छा। जैसे गाड़ी तो धोते हैं ना आप, क्या उन्होंने आपको कुछ सिखाया गाड़ी कैसे धोनी है? जी सिखाया है, पहले बॉडी को पानी लगाना है, फिर पानी लगा के शैम्पू के साथ बॉडी वॉश करनी है, उसके बाद फिर टायर धोने हैं अगर वॉश है तो। तो अगर सर्विस है तो गाड़ी उठा के हम नीचे से भी सारी सर्विस करते हैं, ऑयल वगैरह भी लगा देते हैं। और इस सारे में बताया आपको पानी कैसे इस्तेमाल करना है? पानी तो हम लोग नहीं इतनी तो जो नहीं देते ना, जो नहीं देते, जैसे मर्जी यूज करते रहे, जैसे मर्जी यूज करते रहे। बाल्टी भी मुझे मिल चुकी है नाजिन, मैं बाल्टी की मुंतजिर थी। मैं अब आपको बोतल तो भर के दिखाई, एक सेकंड में एक लीटर बोतल भरी थी हमने। तो बाल्टी, ये बाल्टी में अगर अंदाजा लगाऊं तो इसमें 4 से 5 लीटर पानी आ जाएगा, 4 से 5 लीटर की ये बाल्टी है। तो एक और भाई आ चुके हैं जिनके पास ये प्रेशर वाला पाइप है और ये बंद कर चुके हैं। अच्छा भाई, जरा मैंने उनसे भी इंटरव्यू लिया, अभी मुझे थोड़ी सी बता दें कब से काम करें गाड़ी धोने का? 3-4 महीने हो गए। 3-4, इससे पहले क्या काम करते थे? यही काम करते थे। तो 3-4 महीने कैसे हुए यहाँ पे? 3-4 महीने हुए यहाँ। 3, इससे पहले कौन से पंप, कौन से इलाके में काम करते? इस्लामाबाद में थे। अच्छा, वहाँ पे किस तरह से पानी आता है? इस्लामाबाद में पानी का मसला है वैसे ही जैसे पहले आ रहा था वैसे ही। तो यहाँ पे आपको मालूम है जो पानी आता है बोरिंग का है, मोटर से लगाते हैं, ट्यूबवेल का? इस चीज का मुझे नहीं पता, नहीं मालूम। चले, इन्फॉर्मेशन नहीं है। काम कैसे सीखा आपने गाड़ी धोने का? यहीं पे आके सीखा है, कोई पहले सीखा हुआ था देख देख के। लेकिन यहाँ कोई हिदायत दी जाती है आपको कितना पानी इस्तेमाल करना है, कितना शैम्पू इस्तेमाल करना है? मुझे तो कोई नहीं दे जाती, बस धुल जाए गाड़ी। पानी का कोई नहीं बताया आपको? अच्छा, जरा इसको ऑन करके दीजिएगा नाजिन। पहले हमें इजाज़त नहीं मिली थी इसको इस्तेमाल करने की, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इस्तेमाल कर सकती हूँ इसको मैं? ऑन करेंगे? चलें, बाल्टी भी भर के दिखाऊंगी आपको। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ जा रही हूँ नाजिन, मेरा हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, बहुत मुश्किल से इसको आगे करना पड़ रहा है, इतना इसका प्रेशर है। चलें, अब आपको बाल्टी भर के दिखा देते हैं कि बाल्टी किस तरह से कितने सेकेंड में भरेगी। ये भर चुकी है और इसको तकरीबन लगे हैं 5 से 6 सेकंड, यानी कि 1 लीटर हमने 1 सेकंड में भरा तो हमने उतना ही लीटर, यानी तकरीबन 5 लीटर 5 सेकंड में भरा है। यानी 5 लीटर पानी 5 सेकंड में हम जाया करते हैं गाड़ी धोने में। तो ये फैक्ट्स आप देख लें, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं ये। और इतना प्रेशर था कि मेरा हाथ पीछे की जानिब जा रहा था। आइए पंप के जो ऑनर हैं हम उनसे बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे हैं, जरा इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ऑनर हैं गाड़ी के? जी मेरी गाड़ी है ये। अच्छा, ये आपकी गाड़ी है। सर मुझे थोड़ा बताइएगा कि गाड़ी आपकी धुलते हुए हमने देख ली है, कितने चार्जेस लिए इन्होंने आपसे? ये 400 रुपए कह रहे हैं। 400 रुपए आपको लगता है मुनासिब है? नहीं, रीजनेबल है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है। जाहिर सी बात, आप वो कह रहे हैं, मैंने इनसे पूछा कि रेट क्यों ज्यादा है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमें मतलब आप फिल्टर प्लांट लगाएं, तो इस वजह से हमने ज्यादा 50 रुपए। समझ आ रही है इन तमाम बातों की कि क्यों ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, पानी को सेव करना है, क्या ये आपको कुछ समझ आ रही है? एज अ कंज्यूमर सारिफिन है ना आप? असल में पता है कि मिस ये होना चाहिए गवर्नमेंट का, अगर ये एक्शन ले रही है पानी के ज़िया के वाले से अच्छी बात है। सर गाड़ी के बारे में मुझे भी बताइएगा, गाड़ी कभी घर धोई आपने? नहीं, मैंने कार नहीं धोई। कभी नहीं? कभी नहीं। कभी छोटी गाड़ी थी या मोटरसाइकिल थी आपके पास, या साइकिल बचपन में धोई हो? हाँ, वो बिल्कुल धोई है। धोई है। कितना पानी इस्तेमाल होता है? मैक्सिमम कोई 5 से 10 लीटर तो कम से कम इस्तेमाल होती है। अच्छा, जो आप शहर लाहौर में कब से रह रहे हैं? मुझे 11 साल हो गए। पानी का कभी मसला फेस किया आपने? बहुत ज्यादा। नहाने को पानी ना मिला हो? बेतहाशा। कभी पीने को ना मिला हो?
डेफिनेटली पीने के हवाले से भी मतलब इशू आया है। दौड़े बाइट जाए और करियाना की शॉप पे या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से पानी खरीद के लाना पड़ा। बिल्कुल ऐसे होता है। ये कितना संगीन मसला है आने वाली नस्लों के लिए, कितना मसला हो सकता है। गवर्नमेंट एक्शन तो ले रही है ना इस हवाले से, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो अभी इनिशिएटिव ले रही है इससे पहले मतलब ये लेना चाहिए इसको। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन यहाँ पे आपने देखा कि शहरी हैं, उन्होंने इस जो ये कदम है पानी सेव करने के हवाले से उसको कितना सराहा है। यहाँ पे पहले मैंने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के इकदाम की बात की थी, अब हम जरा सुप्रीम कोर्ट के इकदाम की भी बात कर लेते हैं। जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हम पे एहसानात किए हैं, क्योंकि पानी के मामले पे सोचना ये एक विजनरी लीडर का काम होता है, एक ऐसे इंसान का काम होता है जो कि लीडरशिप क्वालिटीज रखता हो और जो इनिशिएटिव लेना जानता हो और जो मुस्तकबिल को भांप सकता हो। तो ये जो पानी का मसला है ये हमने हल करना है। अभी तक हम डैम बनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन हैट्स ऑफ टू साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, जिन्होंने डैम बनाने के बारे में ना सिर्फ सोचा, इनिशिएटिव लिया, फंड इकट्ठे किए और हम सब मुंतजर हैं कि हमारा एक डैम बने ताकि हम पानी को है सेव करें। अब ही जाते जाते मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से गाड़ी जो है वो वॉश हो रही है। इनकी अपनी बोरिंग है, ये जो स्टेशन है, मालिकान से हम बात करना चाह रहे थे, कन्विंस भी करना चाह रहे थे, टीम अभी भी लगी है कि शायद वो हमसे बात कर लें, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते हैं। कल से जो इनिशिएटिव लिया जाएगा, ये जो पंप वाले हैं इनको जुर्माने किए जाएंगे और इनके जो बिजली के बिल हैं उनमें इजाफा किया जाएगा, सॉरी जो पानी के बिल हैं उनमें इजाफा किया जाएगा अगर तो वो वॉयलेशन करते हैं जो भी लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं उसकी। एक दफ़ा अगर वो वॉयलेशन करेंगे तो कितना जो बिल है उसमें इजाफा होगा, दूसरी मरतबा वॉयलेशन करने में कितना इजाफा होगा और तीसरी मरतबा वॉयलेशन करने पे क्या होगा, ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आगे चल के आपको दूंगी।